और आज जो एक और बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। आज का दिन बेहद अहम है उत्तराखंड वासियों के लिए भी, क्योंकि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को आज हरी झंडी दिखाने वाले हैं प्रधानमंत्री। 11 बजे वो वर्चुअली से इसको हरी झंडी दिखाएंगे। सीएम धामी मौजूद रहेंगे, इसके अलावा आपको बताया रेल मंत्री भी इसमें मौजूद रहेंगे। तो इसको लेकर काफी दिनों से चर्चा चल रही थी, काफी दिनों से ये प्लान था सरकार का और अब इसको आगे लागू किया जा रहा है, यानी कि आज से ये वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू हो जाएगी। ये इसकी जो शुरुआत होगी वो 28 मई से होगी, देहरादून और दिल्ली के बीच चलाई जानी है। लेकिन इसका जो शुभारंभ है वो हरी झंडी जो दिखानी है वो आज प्रधानमंत्री दिखाएंगे, वर्चुअली माध्यम से हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री। रेल मंत्री और सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहेंगे। 11 बजे ये कार्यक्रम रहेगा। तो चलिए आपको बता दें कि आज जिस तरह ट्रेन की सौगात मिलने जा रही है ये एक सबसे बड़ी बात है, लेकिन उत्तराखंड को तो सौगात मिल रही है, इस पर भी सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने इस पर सवाल उठा दिए हैं। गणेश गुदियाल का कहना है कि क्या पहले ट्रेन शुरू नहीं की जाती थी, क्या पहले ट्रेनों का शुभारंभ नहीं होता था, लेकिन हर बार बीजेपी हर काम का इवेंट बनाती है, लेकिन जनता को कितना फायदा होगा ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोगों को मुगालते में लाने की भरपूर कोशिश माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। देहरादून से कभी ट्रेन स्टार्ट नहीं हुई क्या? ये तो मौका उस दिन था जिस दिन पहली बार देहरादून से कोई ट्रेन चली होगी, ये मौका उस दिन था। अब किसी ट्रेन का नाम आप वंदे भारत रख दीजिए, अच्छी बात है, लेकिन है ट्रेन, वो ट्रेन है, राजधानी एक्सप्रेस है, दुरंतो एक्सप्रेस है, वो सब ट्रेनें चली, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि उन बातों को इवेंट बनाया गया हो। ये जानबूझकर लोगों के मनस में बिठाया जा रहा है कि ये सब काम हम पहली बार कर रहे हैं। चलिए, वंदे भारत ट्रेन की सौगात उत्तराखंड के लोगों को मिलने जा रही है और देखिए लोगों को काफी फायदा होगा। और दिल्ली और देहरादून की दूरी की बात करें तो वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि सफर कम हो जाएगा और बहुत तेजी के साथ लोग यहाँ देहरादून पहुंच पाएंगे। हमारे साथ रामानुज और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए। रामानुज, उत्तराखंड को आज बड़ी सौगात वंदे ट्रेन की सौगात मिलने जा रही है। जयप्रकाश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल का 9 साल पूरा होने पर उत्तराखंड वासियों को आज सबसे बड़ी सौगात वंदे भारत एक्सप्रेस के तौर पर मिलने जा रही है। इससे देहरादून से दिल्ली की जो यात्रा होगी वो कम समय में होगी, सुगम और सरल होगी, और यही वजह है कि आज जो है इसको लेकर के सियासत भी प्रदेश में देखने को मिली है। लेकिन इन सबसे इतर सबसे बड़ी बात यही है कि यहाँ का पर्यटन, रोजगार और जो सैलानी यहाँ पर आते हैं उनको काफी इससे फायदा मिलेगा। और आज इसका शुभारंभ 11 बजे होगा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसको वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। रेल मंत्री इसमें अश्विनी वैष्णव और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। राजधानी देहरादून के रेलवे स्टेशन देहरादून में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि वंदे भारत एक्सप्रेस के संचालन होने से एक तो 4 घंटे में दिल्ली और देहरादून की यात्रा होगी, आसानी से होगी, और लोगों के आने जाने का जो समय होगा वो भी कम होगा, तो इससे उत्तराखंड में पर्यटन का जो क्षेत्र है, जो समय है वो काफी बचेगा, क्योंकि बीच में देखा जाता है काफी ट्रैफिक होता है, जिसकी वजह से अगर 4 घंटे का रास्ता भी है तो वो 6 घंटे का हो जाता है। लेकिन इससे अब बहुत बड़ी सौगात मिलने जा रही है।